देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। चमोली जिले में जोशीमठ के निकट धौली गंगा में ग्लेशियर फटने एवं बाढ़ टूटने के कारण आई बाढ़ से निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना को भारी नुकसान हुआ है तथा कई पुल टूटने के समाचार भी आ रहे हैं। इस आपदा से नदी किनारे रहने वाले निवासियों को भारी हानि की आशंका है। इसी संबंध में इंदिरा हृदय जी ने कहा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री तथा SDRF अधिकारी श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल से फोन पर वार्ता की तो उन्होंने जानकारी दी कि 150 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है एवं अभी तक 200 बरामद हो चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है तथा जनहानि रोकने के लिए बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है और उनकी हार्दिक संवेदनाएं आपदा पीड़ित जनता के साथ हैं। आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट हल्द्वानी। चमोली जिले में भारी क्षति हुई है। 2 पावर प्रोजेक्ट जो वहाँ बन रही थी, भारी संख्या में लोग काम कर रहे थे, वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। भारी पानी आ चुका है, ग्लेशियर टूट गए हैं, जनहानि भी हुई है, धनहानि भी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस कष्ट के समय में जनता के साथ खड़ी है और हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं उनके प्रति। कल तक इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने लोग इसमें बहे हैं या लापता हैं, इसकी खोजबीन हो रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और DIG सभी से बात की और मेरी पूरी संवेदना उन सब लोगों के प्रति है जो चिंतित हैं वहाँ, और हम भी कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी ओर से अपनी चिंता उनके साथ जोड़ते हैं, उनके साथ हमारी संवेदनशीलता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।